फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिंटू इलेक्ट्रिकल्स पर। आज ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है जिसमें नीचे से आवाज़ आ रही कर कर के इसको ठीक करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हम आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो बगैर समय गवाए अब हम आपको इसकी रिपेयरिंग करने का प्रोसेसिंग बताते हैं कैसे इसको ठीक करना है। तो हम दोस्तों एक बार स्पिन चला के देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें दूसरी जगह कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो हमने स्पिन चला दी है और आपको चला के दिखाते हैं दोस्तों। आवाज़ आ रही थी तो हम स्पिन में आपको सुनाते हैं कि स्पिन सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो दोस्तों स्पिन तो सही चल रहा है, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, ये बिल्कुल ओके है। तो हम इसको नीचे देखते हैं, खोल के इसका बैक कवर खोलते हैं, नीचे की साइड खोलते हैं। तो बैक कवर हमने खोल के रखा हुआ है इसका और हमने इसको लिटा लिया, एक नीचे वाला कवर है इसको भी खोल देते हैं, इस वाले कवर को। उसके बाद हमें ये वाला जो नट लगा हुआ है दोस्तों, ये नट खोलना है और इसकी बेल्ट उतारनी है। सबसे पहले बेल्ट उतार लेंगे, उसके बाद हमें 13 नंबर की ये गोटी चाहिए होगी। 13 नंबर की गोटी से हमें इस नट को खोलना है। तो दोस्तों हमें इसको टी लगाकर इसको नट को खोल देना है इस तरह से, ये देखिए। और नट खोलने के बाद हमें ये जो पुल्ली दिख रही है इसको नीचे कर देना है, ये देखिए। तो इसमें भी गरारी होती है, जब हमारी ड्रेन मोटर पानी खींचती है तो अपना पोजिशन ये सिस्टम बदलता है। तो इसको हमें ये जो लॉक लग रहे हैं इसको हल्का सा दबाना है और अपनी तरफ को खींच लेना है, ये देखिए दोस्तों। तो हम इसको अलग अलग करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। और ये मैकेनिज्म, जब स्पिन या बास में आवाज आने लगती है दोस्तों, बैरिंग की तो अलग से आवाज आती है, नीचे कर कर की आवाज आती है, तो इस वाले पार्ट की होती है। क्योंकि ये जो पार्ट है आपको छोटा सा दिख रहा है पत्ती सी, और इसके नीचे गरारी होती है, जब ड्रेन मोटर खींचती है तो ये पोजीशन चेंज करती है। तो ये वाले जो लॉक होते हैं दोस्तों, ये वाले ये घिस जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो घिस जाते हैं, जब वो स्पिन पे लाती है तो पूरी तरह से वो गरारी से हटता नहीं है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नया वाला है और वो पुराने वाला है। तो इसके लॉक वॉक बिल्कुल ओके हैं, हमने चेक कर लिए हैं हर तरह से। तो हम ये वाला पार्ट तीनों बदल देंगे और हमारी मशीन ठीक हो जाएगी। तो हमें ग्रीस भी चाहिए होगी, तो हमें ग्रीस का डब्बा लेना है और जहाँ जहाँ हम आपको दिखाएंगे वहाँ वहाँ ग्रीस लगा देनी है। तो सबसे पहले तो ये गरारी जहाँ पे चलती है हल्की हल्की आपको ग्रीस लगा देनी है इस तरह से, और इसमें भी लगा लेनी है दोस्तों। हमें ग्रीसिंग सही से कर देनी है, नहीं तो ये वाला भी घिस जाएगा। इस तरह से ग्रीस करके हमें चला के देखना है और इस वाले पे भी ग्रीस कर देनी है इस तरह से। आपको कैस्ट्रोल की बढ़िया वाली ग्रीस यूज करनी है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए इसमें। तो इस तरह से इसको बिठा देना है और उसके नीचे जो आपको स्प्रिंग दिख रही है उस पे भी ग्रीसिंग करनी है, ये वाली इस पे। इस तरह से बढ़िया से ग्रीसिंग करके और आपको इसमें फिट कर देना है। तो हम आपको दिखाते हैं, वीडियो बने रहे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको बहुत सारी जानकारी बड़ी से बढ़िया देते रहेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें बिठा के हल्का सा इधर साइड राइट साइड घुमा के दबा पुश करके दबा देनी है। अब हमें इस वाले पे भी लगा देनी है ग्रीस, क्योंकि इस पे जो पुल्ली का नीचे वाली जो पुल्ली होती है वो इस गरारी से चलती है। ये जब वो पार्ट पुराना वाला खराब था तो वो जो हमने पार्ट बदला है उसका घिसने के कारण वो छोटा होने से वो गरारी सही से अटैच नहीं हो रही थी, इसलिए हमने बदला। हमें ये जो नट हमने खोला था वार्सल के साथ इसको फिट कर देना है और टाइट कर देना है बढ़िया से 13 नंबर की गोटी से, इस तरह से फुल टाइट करके, और हमको बेल्ट चढ़ा देनी है वापस। तो अब ये हम घुमा रहे हैं तो आवाज भी नहीं आ रही इसमें, तो हमें इसमें बेल्ट चढ़ा देनी है। बेल्ट चढ़ा के अब ये देखो आवाज भी चली कर कर की। अब हम मशीन को सीधा करके आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो पीछे रिकॉर्डिंग की आवाज़ थी, बीच में हमने आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाई है जो उसकी एक्चुअल आवाज़ आ रही थी। तो हम आपको बिजली लगाकर उसमें
और स्पिन चलाकर वॉश चला के सब कुछ देख चुके हैं और हम आपको भी चला के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मशीन बिल्कुल 100% ठीक हो। दोस्तों हमारे इस वीडियो का एक लाइक तो बनता है, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की, माइक्रोवेव की बहुत सारी अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।